विक्टर क्लासेज लोहचा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं अमित रंजन आज आपके लिए टाइम एंड वर्क का अंतिम वीडियो लेकर आया हूँ। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो ठेकेदारी पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जैसे टाइम एंड वर्क में एक बड़ा ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठेकेदारी पे बेस्ड क्वेश्चन। इसमें होता ये है कि कोई ठेकेदार एक निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने का ठेका लेता है। इसके लिए वह कोई भी मजदूर को लगा दिया, जितने भी संख्या में लगा दिया, जैसे एक आदमियों को वह नियुक्त कर दिया वाई दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए। लेकिन जब वह कुछ दिनों के बाद कार्य को निरीक्षण करने जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि कार्य जो है वह स्लो चल रहा है, अर्थात जितना समय बीत गया है उससे कम काम ही हो पाया है। ऐसी स्थिति में निर्धारित समय में अगर कार्य को पूरा करना है तो और व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त करना होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने के लिए और कितने व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त करें। या कभी कभी ये देखा जाता है कि जब ठेकेदार निरीक्षण करने गया तो ऐसा देखा कि समय जो बीता है उससे ज़्यादा ही काम हो गया है, लेकिन उसको काम एक निर्धारित समय में पूरा करना है तो वह करेगा क्या, कुछ व्यक्तियों को कार्य पर से वह निकाल देगा ताकि कार्य उसका उस दिन तक चले जिस दिन तक निर्धारित किया गया है। देखते हैं इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी रोड को 30 दिनों में बनाने के लिए ठेका लिया और 15 व्यक्तियों को कार्य पर नियुक्त किया कर लिया। 15 मेन कुआ लगाया है कार्य पर, जबकि उसको कार्य को समाप्त करना है 30 दिनों में। लेकिन 24 दिनों के बाद उसने पाया कि अब तक केवल आधा रोड ही बन पाया है। देखिए समय जो है वह 24 दिन बीत गया है, 30 दिन में से 24 दिन टाइम बीत चुका है, लेकिन वह पाया कि अब तक केवल आधा रोड ही बन पाया है। तो बताएं कि और कितने व्यक्तियों को वह लगाए ताकि रोड अपने पूर्व निश्चित अवधि में पूरा हो जाए। अर्थात हम देख रहे हैं कि 30 दिन में से 24 दिन बीत गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया, लेकिन कार्य जो है अब तक आधा ही हो पाया है, अर्थात कार्य स्लो चल रहा है और हमको उस लिमिटेड पीरियड में अर्थात 30 दिनों में कार्य को समाप्त कर लेना है। ऐसी स्थिति में हमें कुछ व्यक्तियों को कार्य पे और लगाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो हम देख रहे हैं कि अब तक केवल आधा रोड बन पाया है, अर्थात दो भाग में से एक भाग हो गया, एक भाग बाकी है, अर्थात जितना काम हुआ है उतना ही काम बाकी है। अब 6 दिन और बचा हुआ है, अब तक 15 व्यक्ति कार्य किया है 24 दिन, अब तक 15 व्यक्ति कार्य को 24 दिन किए हैं, लेकिन अब इतना ही कार्य, जितना कार्य को 15 व्यक्ति 24 दिनों में पूरा किया उतना ही कार्य को अब 6 व्यक्ति करेगा। कितना दिन में, तो 1 दिनों में। तो 15 व्यक्ति जो कार्य 24 दिनों में समाप्त करते हैं उतना ही कार्य को 6 व्यक्ति उतने ही कार्य 6 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो दोनों कार्य को हम इक्वल कर लेंगे। 6 से हम 24 को कट कर दिए 4 बार में, अर्थात 1 का जो वैल्यू है वो आया 15 चौका 60, अर्थात 60 व्यक्ति, 7 आदमी की जरूरत है। अब हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि और कितने व्यक्तियों को लगाए, तो पहले से मेरे पास 15 व्यक्ति है, 60 व्यक्ति की ज़रूरत है, अर्थात 60 में से 15 व्यक्ति है मेरे पास, 45 और व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा काम पे। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। दूसरा तरीका ये होगा, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप ध्यान रखते हैं तो एग्जाम में काफ़ी फायदा होगा इससे, कि जैसे 15 व्यक्ति कार्य को 24 दिन कर चुके हैं, 15 व्यक्ति कार्य को 24 दिन कर चुके हैं उतना ही कार्य को अब 6 दिनों में पूरा करना है, उतना ही कार्य को अब 6 दिनों में करना है, तो बट्टा 6 करेंगे और इसमें गुना कर देंगे,
जैसे यहाँ पे एक बटा दो कार्य हो गया है, अर्थात दो भाग में एक भाग हो गया है और एक भाग बचा हुआ है, तो जो भी बचा हुआ कार्य रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जो कार्य हो गया है उसको नीचे लिखेंगे। अब एक बटा एक कैसे, जैसे दो भाग है, दो भाग में एक भाग हो गया तो उसको नीचे, और दो भाग में एक भाग हो गया तो एक भाग बाकी है तो उसको ऊपर, अर्थात ऊपर बाकी कार्य और नीचे लिखेंगे पूरा हुआ कार्य। ये इसको बैलेंस करता है, ठीक है। तो 6 से 24 चार बार में, अर्थात 15 चौका 60 आदमी की जरूरत है। 60 आदमी में से पहले से यहाँ 15 आदमी है, अर्थात शेष और कितने आदमी चाहिए, तो 60 में से 15 घटा लेंगे और 45 व्यक्तियों की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिनों में करने का ठेका लिया और इसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किया, अर्थात 120 व्यक्ति को वह लगाया है कि कार्य मेरा 124 दिनों में पूरा हो जाएगा। 64 दिनों के बाद उसने पाया, अर्थात 64 दिन कार्य हो गया है, 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया, 2/3 कार्य वह पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। हम देख रहे हैं कि अब तक 124 दिनों में से 64 दिन बीत चुका है, अर्थात आधा से कुछ ज़्यादा समय बीता है, लगभग 53-54% समय बीता है, लेकिन कार्य जो है वह तीन भाग में दो भाग हो गया है, अर्थात कार्य लगभग 66% समाप्त हो चुका है, अर्थात कार्य यहाँ पर तेजी में चल रहा है। लेकिन हमको कार्य को 124 दिनों तक लेके जाना है, तो हम करेंगे क्या, कुछ व्यक्ति को कार्य से निकाल देंगे। कितने व्यक्ति को कार्य से निकालें, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसको ही बनाने का तरीका वही होगा, अभी 60 दिन का कार्य बचा हुआ है, 124 दिनों में से 60 दिन हो चुका है, 64 दिन हो चुका है, तो 60 दिनों का कार्य बचा हुआ है। तो अभी तक 120 व्यक्ति जो कार्य 64 दिनों में किया, 120 व्यक्ति जो कार्य 64 दिनों में किया, वही कार्य वही है नहीं, ये इससे हम बैलेंस कर लेंगे, वही कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए कितना व्यक्ति चाहिए, कब, जब हम बोले हैं कि जो भी कार्य बाकी रहेगा उसको ऊपर लिखिएगा और जो कार्य पूरा हो गया उसको नीचे लिखिएगा। जैसे 2/3 कार्य हो गया है, अर्थात तीन भाग में एक भाग बाकी है, दो भाग हो गया है, तो जो बाकी है उसको ऊपर और जो हो गया है उसको नीचे लिखेंगे। 60 से 120 दो बार में, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अर्थात इस कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए 64 व्यक्तियों की जरूरत है, ठीक है, 64 व्यक्तियों की जरूरत है, लेकिन मेरे पास है 120 व्यक्ति। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि कितने व्यक्तियों को कार्य से हटाया जाए, तो 120 व्यक्ति मेरे पास है, लेकिन हमको जरूरत है 64 व्यक्ति का, अर्थात 120 में से हम 64 निकाल देंगे, 0 में से 4 गया 6 और 11 में से 6 गया 5, अर्थात 56 व्यक्तियों को हम कार्य से निकाल कर कार्य को निर्धारित समय में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी ठेकेदार ने एक काम को 96 दिनों में पूरा करने के लिए 100 मजदूर लगाए, किंतु निर्धारित समय के 1/6 भाग में 1/7 काम हुआ, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समय जो है 1/6 बीत चुका है, लेकिन काम अब तक 1/7 ही हो पाया है, अर्थात काम का रफ्तार स्लो है, लेकिन हमको निर्धारित समय में कार्य को पूरा करना है तो कुछ और मजदूरों की जरूरत होगी। तो यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अब तक 100 मजदूर को लगाया गया है 96 दिनों में कार्य को पूरा करने के लिए, और 1/6 समय बीत चुका है। अब हम इसको दो प्रकार से, या तो डायरेक्ट हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, या समय निकाल कर कि 96 दिनों में अगर 1/6 बीत चुका है, अर्थात 16 दिन समय बीत चुका है, तो वैसे हम बना सकते हैं या नॉर्मल ऐसे ही बना सकते हैं कि 1/6 समय बीत चुका है, अर्थात 6 भाग में
एक बीत चुका है तो पांच बाकी है, ठीक है। तो 100 व्यक्ति जो कार्य एक में किया, एक हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 6 भाग में एक भाग बीत चुका है, तो 100 व्यक्ति जो कार्य एक में किया वही कार्य को पांच में करना है। कब? जब अब तक 1/7 कार्य हो पाया, 1/7 कार्य हो पाया अर्थात 7 भाग में एक भाग हो पाया है। हम बोले हैं जो कार्य बाकी हो उसको ऊपर लिखेंगे, जो कार्य हो गया उसको नीचे लिखेंगे। अर्थात 7 भाग में एक कार्य हो गया है तो अभी 6 कार्य बाकी है और एक भाग जो हो गया वो नीचे होगा। 5 से 120 बार में, 20 से 6 बार में 20 छक, 120 आदमी की जरूरत होगी। इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए 120 आदमी की जरूरत होगी, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा है काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मजदूरों की संख्या, तो 120 मजदूरों की जरूरत है। पहले से यहाँ पे 100 मजदूर है तो अतिरिक्त मजदूर जो है वह 20 चाहिए। अगर 20 मजदूर आ जाते हैं तो कार्य जो है वह समय पर पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन ये है यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटा प्रतिदिन करके 16 दिनों में पूरा करते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना होगा। अर्थात 80 आदमी कार्य कर रहा है, 80 आदमी कार्य कर रहा है, 6 घंटा कार्य कर रहा है, 16 दिन कार्य को करने में टाइम लग रहा है। अब इसी कार्य को अभी 80 आदमी कार्य कर रहा है, 6 घंटा प्रतिदिन 16 दिन लगा, इसी कार्य को अब 64 आदमी करेगा, 15 दिनों में कार्य को पूरा करना है, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा इसी को हम एक्स मान लेंगे कि प्रतिदिन एक्स घंटे कार्य करना होगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसमें कोई एक जो पद होता है इसको छिपा लिया जाता है और सिंपल एक एक नियम पे क्वेश्चन बन जाता है। कोई एक पद छिपा लिया जाता है, उसका वैल्यू हमको निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन में केवल हम एक दो बातों का ख्याल रखें तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होता है। हमको ख्याल इस बात का रखना है कि जब भी आदमी हो, आदमी कहने का मतलब महिला भी इसमें शामिल हो जाएगी, जब भी मजदूरों की संख्या हो अर्थात मैन या वुमेन हो या टाइम हो, टाइम में आपका घंटा भी आएगा दिन भी आएगा, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, अपर लिखेंगे। और जब भी आपको काम की संख्या हो, जैसे 10 कुर्सी बनाता है, 20 कुर्सी बनाता है, 20 चारपाई बनाता है, तो जब भी काम की संख्या हो अर्थात वर्क हो, फिर हाइट हो, जो भी डायमेंशन है, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, जो भी डायमेंशन है इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाता है। जैसे 80 व्यक्ति, 80 व्यक्ति है, व्यक्तियों की संख्या है, तो इसको ऊपर लिखेंगे। 6 घंटा प्रतिदिन कार्य के, 6 घंटा समय है, इसको भी ऊपर। 16 दिन ये भी एक समय है, इसको भी हम ऊपर लिखेंगे और सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी काम को करना है तो बराबर, तो का मतलब होता है बराबर, तो 64 व्यक्ति, व्यक्ति की संख्या ऊपर, वही कार्य 15 दिन, तो 15 दिन को ऊपर, कितना घंटा, तो एक घंटा कार्य को करना होगा। यहाँ से 16 से 64 चार बार में कैंसिल होगा, 5 से यह 15 तीन बार में और 5 से 80 16 बार में, 3 से 6 दो बार में और 4 से 16 8 बार में, अर्थात x का जो मान आया, 4 से 16 चार बार में, अर्थात x का जो मान आया वह होगा 4 × 8 और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट वही होगा जो यूनिट पहले वाले में था, तो जो समय था वो घंटा में था, तो जो ये यूनिट होगा यह होगा 8 घंटा। इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन है, 8 महिला 10 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 10 दिनों में 100 टोकरी बुनती है। 8 महिला, इसको ऊपर लिखेंगे, 10 घंटा ऊपर लिखेंगे, 10 दिन ऊपर लिखेंगे, 100 टोकरी या काम है तो नीचे लिखेंगे। तो ऐसी अर्थात बराबर
300 टोकरी नीचे लिखेंगे, 8 घंटा काम करना है प्रतिदिन ऊपर, 12 दिनों में इसको भी ऊपर, कितने अतिरिक्त महिलाओं की जरूरत है, अर्थात आपसे ये पूछ रहा है कितना महिला चाहिए, तो उसको हम एक समान लेंगे। तो करेंगे क्या, 8 महिला 10 घंटा तो 10 ऊपर, 10 दिन तो ये भी ऊपर क्योंकि ये दोनों समय है, 100 टोकरियां काम है तो इसको नीचे, तो बराबर 300 टोकरी ये भी काम है तो इसको भी हम नीचे लिखेंगे। बुनने के लिए 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करके 8 घंटा तो इसको ऊपर लिखेंगे, 12 दिनों में तो ये भी समय है इसको भी ऊपर लिखेंगे। कितने महिलाओं की जरूरत है, सॉरी यहाँ पूछा है कितने अतिरिक्त महिलाओं की जरूरत है, तो हम एक से लेंगे कितने महिलाओं की जरूरत है, तो महिला की संख्या को भी ऊपर लिखेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 3 से या 12 चार बार में, 8 से या 8 कैंसिल, या 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, अर्थात x का जो वैल्यू होगा वह होगा 25, अर्थात इस कार्य को पूरा करने के लिए 25 महिलाओं की जरूरत है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कितने अतिरिक्त महिलाओं की जरूरत है, तो 25 महिला में से पहले से मेरे पास 8 महिला मौजूद है, तो 25 में से हम 8 को घटा लेंगे, अर्थात 17 अतिरिक्त महिलाओं की जरूरत होगी, तो कार्य जो है उसी टाइम पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, इसी पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी खाई 10 दिनों में खोदते हैं, उतने ही व्यक्ति अन्य 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी 30 दिनों में खोदते हैं, तो दूसरे खाई की लंबाई क्या है। यहाँ पे दोनों तरफ चूंकि व्यक्तियों की संख्या बराबर है दिया हुआ है, कुछ व्यक्ति वहाँ भी दिया है उतने ही व्यक्ति, अर्थात पहले पार्ट में और क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में व्यक्तियों की संख्या बराबर है, अर्थात तो व्यक्ति यहाँ पे कोई फैक्टर नहीं है। 100 मीटर लंबी हम बोले हैं कि लंबाई चौड़ाई गहराई को नीचे लिखेंगे, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी ये भी नीचे और 10 मीटर गहरी ये भी नीचे, खाई 10 दिनों में ये समय है तो ये ऊपर लिखेंगे। उतने ही व्यक्ति अर्थात जितने व्यक्ति यहाँ पे उतने ही व्यक्ति एक अन्य खाई खोद रहा है 25 मीटर चौड़ी 15 मीटर गहरी तो नीचे, 30 दिनों में दिन है तो ऊपर, तो दूसरे खाई की लंबाई क्या होगी। जैसे पहले खाई की लंबाई 100 मीटर थी, दूसरे खाई की लंबाई क्या होगी हमको नहीं पता है, तो उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से 100 चार बार में, 15 से या 30 दो बार में कैंसिल हो गया, एक से एक तो एक, और ये 50 में 4 से करेंगे 200 और 200 से 2 में गुना करेंगे 400, इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट वही होगा जो क्वेश्चन के पहले पार्ट में लंबाई का यूनिट था। क्वेश्चन के पहले पार्ट में लंबाई का यूनिट मीटर था, तो यहाँ पे भी जो मेरा आंसर होगा वह होगा एक्स का वैल्यू 400 मीटर, अर्थात दूसरे खाई की लंबाई होगी 400 मीटर। अब आज के क्लास पर आधारित क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। और ये टाइम एंड वर्क का मेरा अंतिम वीडियो था, इसके बाद हम नल और टंकी चैप्टर को ये करेंगे। तब तक आप टाइम एंड वर्क का जो भी वीडियो रहा है, जो भी पार्ट में वीडियो है, सबको आप एक बार शुरू से लेके जो भी शायद ये छठा वीडियो है टाइम एंड वर्क का, 6 पार्ट इसका देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, सबको एक बार देख लीजिए और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, या टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाके आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अब मिलते हैं अगले क्लास में नल और टंकी के साथ।